भीमजानी डेव्हलपर्सला रुपये 300 कोटींचा TDR देण्यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयात ठाणे महानगरपालिका नगररचना विभाग आणि कायदा विभाग फिक्सिंगबाबत खुलासा करण्याबाबत सामाजिक कार्यकर्ते योगेश मुंद्रा यांनी पत्रकार परिषद घेतली. या विषयाबाबत योगेश मुंद्रा यांनी महापालिका आयुक्तांना पत्र लिहिल्यानंतरही महापालिका आयुक्तांनी कोणतीही कारवाई न केल्याचे त्यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले. त्यामुळे कायदा विभाग आणि नगररचना विभागाच्या या कामात सहभागाबाबत चौकशीची मागणी योगेश मुंद्रा यांनी केली. 300 करोड़ का आप आरोप लगा रहे हैं ठाणे महानगरपालिका में, जिस तरीके से गार्डन को लेकर जो विकास के काम हुआ था, क्या पूरा मामला था, किस तरीके से कोर्ट ने जो इसके ऊपर फटकार दिया, क्या पहुंचा उसके? ये मुल्ला बाग के इधर निसर्ग उद्यान करके ठाणे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का एक रिजोर्ट प्लॉट था, जिसके डेवलपमेंट के ऊपर टी भीमजानी डेवलपर प्राइवेट लिमिटेड ने मुंबई हाईकोर्ट के अंदर एक रिट पिटीशन दाखिल की थी. उनका कहना ये था कि उन्होंने ये गार्डन डेवलप किया है और उस डेवलपमेंट के बदले उन्हें टोटल एरिया ऑफ द डेवलप्ड गार्डन, मतलब जो कि 30,000 स्क्वायर मीटर है, उसके बदले में उन्हें 30,000 स्क्वायर मीटर TDR दिया जाए. लेकिन उन्होंने 2005 में म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने खुद एक लेखी पत्र से ऐसे लिख के दिया था कि मैं जो एरिया डेवलप कर रहा हूँ उसका सिर्फ 15%, मतलब 15% ऑफ द टोटल एरिया डेवलप्ड का मुझे TDR दिया जाए. लेकिन यहाँ पे उन्होंने अपने रिट पिटीशन में पूरा 100% TDR मांगा था, जिसको ठाणे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के टाउन प्लानिंग के अधिकारियों ने कोर्ट में इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन एफिडेविट के तहत दाखिल की थी, जिसके तहत कोर्ट का निकाल डेवलपर के फेवर में आया था. तो क्या लगता है आपको, इसमें अधिकारी जो महापालिका के वो भी इसमें शामिल है क्या? बेशक इसके अंदर महापालिका के अधिकारी शामिल है, इतनी बड़ी चूक महापालिका के अधिकारियों से होनी ही नहीं चाहिए. और अगर समझो हो भी गई है तो फिर महापालिका के अधिकारी ये सब लेके हाईकोर्ट के ऑर्डर को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज क्यों नहीं करते? जब 16 वर्षों से आपको इस डेवलपर को ये TDR नहीं देना था, तो अचानक से ऐसा क्या हो गया कि आप उसको TDR देने के पीछे पड़ गए? तो आगे की भूमिका किस तरीके से रहेगी, किस तरीके से अगर कोर्ट में आप पिटीशन वापस फाइल करके इसकी मांग करेंगे कि अधिक से ज़्यादा चाहिए इसके? मैंने थाने के जो हमारे म्युनिसिपल कमिश्नर है उनको एक लेटर लिख के ये पूरा जो सब्जेक्ट है इसके बारे में डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन दी है, और मैं आशा करता हूँ कि थाने के म्युनिसिपल कमिश्नर इसके ऊपर जल्द ही इंक्वायरी बिठा के इसके ऊपर एक्शन लेंगे. लेकिन अगर उन्होंने ये सब नहीं किया और डेवलपर के फेवर में या डेवलपर के प्रेशर में आके उसे 30,000 स्क्वायर मीटर का TDR दिया, तो मैं ये पूरे प्रकरण के ऊपर मुंबई उच्च न्यायालय में PL दाखिल करूंगा. ये 30,000 स्क्वायर मीटर का TDR है, जिसका अप्रोक्स मार्केट वैल्यू आज 300 करोड़ रुपए है, जबकि डेवलपर के पत्र के हिसाब से उसे सिर्फ 4,500 स्क्वायर मीटर TDR मिलना चाहिए था, जिसकी कीमत 45 करोड़ रुपए मार्केट में. तो ये टोटल 260 करोड़ रुपए का डेवलपर को फायदा पहुंचाने का काम है. जैसा आपने कहा कि 2 करोड़ की कीमत की चीज 300 करोड़ रुपए में, अब डेवलपर ने 2005 के अंदर ये जो गार्डन डेवलप किया था उसके अंदर डेवलपर ने ये कहा था कि मैंने ये गार्डन 1.5 करोड़ रुपए की लागत से डेवलप किया है. तो आज 2005 में 1.5 करोड़ की लागत से गार्डन डेवलप करके अगर 2023 में 300 करोड़ रुपए मिलते, तो मुझे नहीं लगता इससे अच्छा कोई दूसरा बिजनेस रहेगा, और ऐसा बिजनेस बाकियों को भी करना चाहिए. फिर किसका किसका हाथ हो सकता है इसमें? TMC के ऑफिसर्स और कुछ पॉलिटिशियंस भी इसमें इन्वॉल्व रह सकते हैं, क्योंकि ऑफिसर्स अकेले इतनी बड़ी हिम्मत नहीं कर सकते. तो इसमें बेशक आयुक्त साहब को कुछ ना कुछ इसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए और इसके ऊपर इंक्वायरी बिठानी चाहिए.